बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा। पर हमने ये डिसाइड नहीं किया कि हम मूवी कौन सी देखेंगे। बाय बाय गाइस। तो गाइस, सेल्फ मोटिवेशन इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। यहाँ पे मेल्ट होने लग गए हैं और अब हम बनाने वाले हैं चीजी मैक्रोन। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में मम्मी और पापा जाने वाले हैं हल्द्वानी मेरे बिना। मेरा जाने का बहुत ज़्यादा मन था पर कल मेरा कॉलेज है, इस वजह से मैं नहीं जा सकती। तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, हम रात को पार्टी पार्टी करेंगे थोड़ा बहुत, सिर्फ दी और मैं। छोटी कार से जा रहे हो या बड़ी कार से? छोटी कार से जाएंगे। कौन सी? सेंट्रो से जा रहे हैं। तो गाइस, अब मुझे दुख नहीं हो रहा है कि मैं नहीं जा रही हूँ करके। और गाइस, हम अपनी बिल्लियों से बहुत ज्यादा नाराज हैं क्योंकि इनको आज हमने चोरी करते हुए देखा एक पीजी के बच्चे के रूम से। ये बिल्लियां हमारी दोनों की दोनों, पिंकू और जिनी, दोनों ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया था और वो एक बच्ची का टॉप चोरी करके आई। और पता है उसने कहाँ रखा? सोफे के नीचे। तो आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक बिल्ली आई है। तो मैंने अपने शॉर्ट में ही बोला था कि हमारे घर में स्नैक्स टाइम उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ब्रेकफास्ट लंच डिनर होता है। अरे अभी हम स्नैक्स खाने के लिए जा रहे हैं और लड़की पता नहीं क्या कर रही है, पता नहीं यहाँ से गानों की आवाज़ आ रही है, कहीं शादी वादी हो रही शायद। तो मम्मी आपको कैसा लग रहा है कि आप हमारे बिना हल्द्वानी जा रही हो? ऐसे कुछ खास तो लग नहीं, बड़े बड़े हो गए बच्चे, अब हम जा सकते हैं बाहर? नहीं, तुम्हारे में नहीं लग रहा, मुझे पता है। हम पार्टी कर लेंगे। तो हो गया फिर, तुम पार्टी आपकी याद में हम पार्टी कर लेंगे एक रात। चलो, ये बंदी जहाँ जाती है ना एक ही रट लगाती, घर जाना है घर जाना है। मुझे घर जाना है और परेशान कर देती है बच्चों की तरह। नहीं सही में आलिया भट्ट की तरह, मुझे घर जाना है, मेरे को सजी घर में आती है। बैग लेके नहीं आए घर से? अरे गाड़ी भी तो वही है। गाड़ी क्या, स्कूटी में जाते है? अच्छा, स्कूटी को बेवकूफ बना रहे मेरे को, बेवकूफ समझ लगा मुझे। सामान नहीं लाना क्या? मुझे पता नहीं है, चाय भी नहीं लाई है। चाय बनवाऊ? अरे पी नहीं मैं चाह। चाय भी पी दी मम्मी। तो हम बना रहे हैं एकांत में फ्रेश फ्रेश मौसमी का जूस, जिसे पीना है वो आ सकता है यहाँ पीने के लिए। और हम घर के ही हैं तो हमें यहाँ जूस खुद ही बनाना पड़ता है। हम दिखाते हैं हमारे यहाँ फ्रेश फ्रेश जूस कैसे बनता है। हम दिखाते हैं हमारे यहाँ फ्रेश फ्रेश जूस कैसे बनता है। फिर इसको हम इसमें रख देंगे और कम ऑन, अब जूस निकलेगा। फिर थोड़ा सा इसको ऐसे घुमाएंगे, फिर से ये आ गया जूस। अब हम इसमें डालेंगे काला नमक, ये हो गया है जूस रेडी मौसमी का, ताज़ा ताज़ा मीठा मीठा। तो मम्मी पापा जा रहे हैं, चलो चलो गाइस। इस बंदी ने मुझे कहा था कि हम उसमें जा रहे हैं, छोटी वाली कार में। पापा वगैरह पूछने थे तुमसे कौन सी, बड़े बड़ी कार में जा रहे हैं। बाय बाय गाइस। बुरा तो लगा रही है, लग रहा है छोड़ दो यहाँ देना और बिल्ली को कैट को दे देना। फिर आप काम देके मत जाओ, बुरा रहेगा। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं सामान लेने के लिए स्नैक्स का। और बहुत ज्यादा मौसम खराब हो रहा है, अगर बारिश आई तो हम स्कूटी घर ही ले जाएंगे। अब आ चुके हैं हम घर वापस और हम लाए हैं चिप्स चीज़ बॉल, क्योंकि मैंने एक हैक देखा था उसमें मैगी में चीज़ बॉल डाली थी और उसमें ना एकदम चीज़ मैगी टाइप की बन गई थी, तो वो वाला ट्राई करेंगे आज हम। और एक चीज़ मैक्रोनी पास्ता लाए हैं और कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम है, वो सब तो फ्रिज में रख दिया। और देखो ये दीनी क्या कर दिया, कैट फूड गिरा दिया नीचे। कैट फूड गिर गया नीचे, ज़्यादा गिरा है नहीं तो? थोड़ा बहुत ही गिरा है। और मम्मी पापा जा चुके हैं, अच्छा सही टाइम पे गए क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया बाहर, एकदम बिजली कड़क रही है। अभी कॉल करती हूँ मम्मी पापा को थोड़ी देर में कि कहाँ पहुँचे।
सो गाइस अभी अभी मौसम खराब था तो अब रेनबो आ चुका है, मैं आप लोगों को रेनबो दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम ऐसा लग रहा है किसी मैजिकल वर्ल्ड में पहुंच गए होंगे, कितना सुंदर लग रहा है। दी बिल्ली का गलत यूज कर रही है यहाँ पे, बहुत ज्यादा की लग रहा है, बहुत ज्यादा इतने टाइम से रेनबो ही देख रहा है यहाँ पे। दिखा 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 भाई कितना सुंदर लग रहा है, रुको ये गजब, ऐसा लग रहा है कि किसी प्लेनेट में जाके खींची होगी हमने इसकी फोटो ली जाएगी। धीरे धीरे अच्छी आ रही है, खींचते हैं। अब नहीं आ रही, अब वो भी चिंगारी होगी, अब मत खींचो। अब हम बनाते हैं मैगी, चीज मैगी। तो मैंने इतनी कोशिश की कि मैं कैमरा को अच्छे से फिट कर सकूं, पर नहीं हो पाया क्योंकि कभी किसी साइड रखी हूँ तो पूरी वीडियो ब्लर आ रही, कभी किसी साइड रखी हूँ तो कुछ दिक्कत आ रही है। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही ब्लॉगिंग करते हैं आगे की। यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है इंडक्शन में बना रही हूँ मैं, फिर अभी मैं चीज़ बॉल्स वगैरह निकालती हूँ एक प्लेट में और उसके बाद हम चीज़ बॉल को इसमें डाल देंगे। अब हम चीज़ बॉल को इसमें डाल देते हैं। जाओ 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 जाओ। गाइस मुझे प्लास्टिक वाला नहीं मिला मिक्स करने वाला, तो मैं ये वाला ले आई हूँ, तो मैं थोड़ा आराम से करूंगी ताकि उसमें स्क्रैच ना लगे। यहाँ पे मेल्ट होने लग गए हैं, जब तक ये मेल्ट हो रहे हैं मैं मैगी को निकाल लेती हूँ, फिर मैगी डाल दूंगी इसमें। तो यहाँ पे मैंने चीज बॉल और मसाला दोनों चीजें डाल दी हैं और अब मैं इसमें डाल दूंगी मैगी। अब इसमें डालते हैं हम मैगी। अब मैं लगा देती हूँ मैगी में ढक्कन ताकि अच्छे से पक जाए। यहाँ पे जो चीज़ी मैगी है वो रेडी हो चुकी है, पूरी भाप लग गई इसमें। और अब हम बनाने वाले हैं चीज़ी मैक्रोनी, और मुझे ना बर्तन मिल नहीं रहे एक्चुअली, क्योंकि ज़्यादातर सामान मम्मी रखती हैं तो मुझे पता नहीं कि बर्तन क्या है। मैं बना दे रही हूँ क्योंकि चाय तो कोई पीने वाला है। हाँ चलो अब पास्ता बनाते हैं। तो ये है पास्ता और ये है पास्ता का मसाला। तो हमारा पानी जो है वो अच्छे से बॉयल हो चुका है, तो उसमें पास्ता डाल देते हैं। और अब डाल देते हैं इसमें पास्ता का मसाला। तो पास्ता तो रेडी हो चुका है, अब मैं नूडल्स को ले जा रही हूँ, टेबल में रखती हूँ। इसे हम यहाँ रख देते हैं टावल के ऊपर, क्योंकि गरम गरम चीज़ शीशे वाले टेबल के ऊपर रखेंगे तो वो चटक सकता है। और ये है पास्ता, यहाँ पर रख देती हूँ स्पून, अभी कोल्ड ड्रिंक भी वो भी लेके आती हूँ। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी रख दी और क्या है, ग्लास, ग्लास लाने हैं। यहाँ पे मैंने सारा सामान रख दिया है। मूवी कौन सी देखनी है? हमने ये डिसाइड कर लिया था हम खाएंगे क्या, हमने ये डिसाइड कर लिया था हम पियेंगे क्या, पर हमने ये डिसाइड नहीं किया कि हम मूवी कौन सी देखेंगे। भूल भुलैया देखते हैं, बचपन का ट्रॉमा। तो गाइस भूल भुलैया मैं बिल्कुल नहीं देखने वाली। देखते हैं अभी क्या देखेंगे, फिलहाल के लिए अभी खाना लगाते हैं। तो गाइस हमारे पास स्वीट डिश भी है और वो है आइसक्रीम। तो दी ने अपनी आइसक्रीम तो पहले खा ली थी, पर मैं रख दी थी, मैं सोचा था कि जब खा लूँगी सब तो उसके बाद इंजॉय करूँगी आइसक्रीम। और ब्रश भी करना है, और अभी पहले मेरा मूड ऐसा होता था कि ब्रश करूँ ना करूँ, पर अपना आदत हो गई है, ब्रश ना करूँ तो नींद ही नहीं आती है। और यहाँ सामने मैं अपना व्लॉग देख रही हूँ, क्योंकि गाइस सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन, खुद को मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं अपना ब्लॉग देख के खुद को मोटिवेट कर रही हूँ। जिन लोगों ने ये वाला ब्लॉग नहीं देख रखा है तो जल्दी जाओ और ये वाला ब्लॉग देखो, पहले ये वाला ब्लॉग देख लेना उसके बाद देखने वाला ब्लॉग। यहाँ पे खाना बन रहा है,
सो मैं अपनी आइसक्रीम इंजॉय करती हूँ। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।